क्योंकि जो हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने 2007 से जो एक स्कूल का यहाँ पे कहा कि उसको बिल्डिंग नहीं है या उसके लिए ज़मीन नहीं है, उस वक़्त आप ही के पास ये मिनिस्ट्री था, एजुकेशन था, और 2008 से लेकर 2012 तक आप इसी कॉलिशन गवर्नमेंट के हिस्से में थे, जो आप उस वक़्त उसको क्यों निशानदेही उस चीज़ का नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे उसको बिल्डिंग नहीं है? तो नहीं नहीं मैं बताना चाहता हूँ, नहीं नहीं मैं वो बताना अख्तर भाई, मैं बताना चाहता हूँ। देखे मौजूदा गवर्नमेंट को आए हुए जो खुद जिस गवर्नमेंट में आज 10 साल रहे हैं वो काम नहीं कर सके, जिस गवर्नमेंट में आप 10 महीने में मांग रहे हैं, आप उस पे तंकीद कर रहे हैं, आप इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह हम अपना कारकर्दगी आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे वो जी लेडी साहब बैठे वैसे भी आ रहे हैं। नहीं नहीं इंशाल्लाह ताला आपको हम दिखाएंगे अपना कारकर्दगी गवर्नमेंट का, लेकिन 10 साल में नहीं कर सकते हो आप, 6-8 महीने के ऊपर आप उस पर तनकीद कर रहे हो जी, इंशाल्लाह ताला वो आपके सामने आ जाएंगे, इंशाल्लाह जब हम दिखाए तो आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। हमें करनी आती है काम करें भी आप तकरीरें हमें अच्छी आती है, बोलना चाहता है आपसे, अच्छा बोल भी सकते हैं, तकरीर भी कर सकते हैं, जी शुक्रिया तरीन साहब मेहरबानी, अजगर तरीन साहब मेहरबानी, नहीं नहीं पहले जी एक मिनट, नौ महीने में बच्चा तो बाहर, ये 4-5 साल सब्र करे, ये डिस्क पे जाने पे गुजारा करे। वक्फा है सवालात, मरी साहब मेरे ख्याल में वो मंगवा लिए हेल्थ के लिए, नहीं है ओवरऑल उन्होंने पीएसडीपी पे बात की है, नहीं नहीं वो पीएसडीपी आपके सवालात आ रहे हैं, आप क्यों पंगे जनाब स्पीकर, आपने क्या किया जनाब स्पीकर, बताए ना एक मिनट जनाब स्पीकर साहब, अगर आप इजाजत दे तो मैं, जनाब स्पीकर साहब मेरे ख्याल में वो आ रहे हैं, कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं, इस चीज को करोगे अपोजिशन का काम है सर, अगर बोलने का हक सिर्फ हिज़्ब इख्तलाफ को है फिर तो हमें बताएं आप, क्योंकि आप बोल सकते हैं, वो आज एक ऐसे मूड पे आए आपको बोलने नहीं देंगे, फायदा क्या, बस छोड़ सरदार साहब, सरदार के जी वक्फ है सवालात, वैसे जो हाउस अपोजिशन को और जगह नहीं और फ्लोर नहीं है ना, इसीलिए इस हाउस में ज्यादा उसका चांस बन, एक मिनट आप गवर्नमेंट को किसी तरह बोल रहे हो, आप 3 दफा उठे हैं मलिक साहब, इस तरह नहीं, हमारे मलिक साहब ने कहा हेल्थ के हवाले से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी कोई 500 डॉक्टर लिए हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट से, सरदार केतरा साहब आपको ऐनक बहुत अच्छा लग रहा था, आपने इसीलिए ऐनक पहना था, जी मरी हम बात आप लोग मौलाना साहब सुने तो हम आपको बताएंगे, आप बोलते रहें,
आप लोग बोलें, फिर आप जब तक गए फिर हम बोलेंगे। मरी साहब आप बोलें अपना। सर मलिक साहब ने जैसे कहा है हेल्थ में डॉक्टरों की बात की है कि डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है। हमने कोई 500 डॉक्टर नर्स स्टाफ वगैरह सारे लिए हैं जो तमाम बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्टों में हमने भेजे। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुआ। दूर दराज अभी आप देखें जोब में, आप देखें सिपी चागी, पहले कहाँ कहीं पे भी ऑपरेशन नहीं हो रहे थे, अभी हर जगह जोब में भी हो रहे हैं। आप देखें हम तो जोब में भी आपने देखे हैं, सिबी में हमने ऑपरेशन स्टार्ट किए, जो सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट नसीराबाद में हमने स्टार्ट किए, चागी में हमने स्टार्ट किए। अभी जितने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर हमने लिए हैं, क्योंकि शायद मलिक साहब अपने इलाके में गया ही नहीं है कि इसके इलाके में हमने कितने डॉक्टर दिए हैं। और असगर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, जनाब स्पीकर मैं असगर साहब से पूछना चाहता हूँ, फिर आपको जो डॉक्टर नहीं मिले हैं आप रोजा नवाब रहसानी साहब नवाब साहब अस्पतालों में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं अस्पतालों में, क्योंकि आप लोगों को नजर नहीं है। सर हमें इस तरह अपोजिशन जो कर रहे हैं अफसोस है, क्योंकि ये आते भी हैं रोज सिफारिश लेके आते हैं कि जी हमारे इलाके में डॉक्टर नहीं है, हमारे इलाके में एम्बुलेंस नहीं है, हमारे इलाके में फलानी नहीं है। फिर अभी जो आज ये बोल रहे हैं, मैं इन तमाम अपोजिशन वालों से पूछता हूँ कि आप लोग आए हो, आया आप लोग के इलाके में हमने डॉक्टर नहीं दिए, आप लोग के इलाके में हमने जहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत था हमने स्टाफ नहीं दिया है, जहाँ पे डॉक्टर की ज़रूरत है सिवाय दो डिस्ट्रिक्टों का, एक आवारान और एक खारान से एक एक डॉक्टर आए, बाकी कहीं पे 9 डॉक्टर आए हैं, कहीं पे 10 डॉक्टर आए हैं, कहीं पे 15, जितने डॉक्टर आए हैं हमने कॉन्ट्रैक्ट पे उसी एरिया की में भी।